कल लोक कल्याण मार्ग से एक चिट्ठी लिखी गई, चिट्ठी एक प्रधानमंत्री की एक रिटायर्ड खिलाड़ी के नाम, खिलाड़ी जिसके रिटायर होने से लगभग एक पूरी पीढ़ी रिटायर हो गई, खिलाड़ी जिसने इस खेल को गेंद या बल्ले से ज़्यादा अपने दिमाग से खेला, खिलाड़ी जिसका नाम महेंद्र सिंह धोनी है। आज महेंद्र सिंह धोनी ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक चिट्ठी शेयर की। चिट्ठी प्रधानमंत्री मोदी की रिटायर्ड धोनी के नाम थी। सामान्य हालत में ऐसी चिट्ठियाँ व्यक्ति के करियर पर आभार व्यक्त करने से शुरू करते हुए उसे भविष्य की शुभकामनाएं देकर खत्म कर दी जाती हैं, पर इस विशेष चिट्ठी में शुभकामनाओं से ज़्यादा संभावनाएं दिखाई दी, भविष्य की संभावनाएं जो ट्विटर और अखबारों के कॉलम राइटर्स को जॉब सिक्योरिटी देती हैं। पर उन पर बात करने से पहले आप इस चिट्ठी की खास बातें जान लीजिए। पीएम मोदी ने लिखा कि 15 अगस्त को अपने ट्रेडमार्क विवाक शैली में आपने एक छोटा वीडियो साझा किया जो पूरे देश के लिए एक लंबी और भावुक चर्चा का विषय बनने के लिए पर्याप्त था। 130 करोड़ भारतीय निराशा में थे, लेकिन दिल से आपके आभारी भी हैं उन सब के लिए जो आपने पिछले डेढ़ दशक में भारतीय क्रिकेट के लिए किया है। आप नए भारत की भावना के उदाहरणों में से एक हैं, जिसमें युवाओं की तकदीर परिवार के नाम से नहीं लिखी जाती, वे खुद अपना नाम और भाग्य बनाते हैं। उन्होंने लिखा कि यह मायने नहीं रखता कि हम कहां से आते हैं, जब तक हमें यह पता हो कि हमें जाना कहां है। आपने जज्बा दिखाया है और इसके साथ कई युवाओं को प्रेरित किया। सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर धोनी का आकलन अन्याय होगा, क्योंकि उसका प्रभाव असाधारण रहा है। उन्होंने लिखा, महेंद्र सिंह धोनी नाम सिर्फ आंकड़ों का या मैच जिताने में भूमिकाओं के लिए याद नहीं रखा जाएगा, सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर उनका आकलन ज्यादती होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी हेयर स्टाइल क्या है, आपका शांत रवैया हार और जीत में समान रहा, जो हर युवा के लिए काफी अहम है। कठिन परिस्थितियों में आप भरोसेमंद साबित हुए और मैच को जीत तक ले जाने की आपकी शैली लोगों की यादों में पीढ़ियों तक रहेगी, खासकर 2011 विश्व कप फाइनल। उन्होंने लिखा, एक छोटे शहर से साधारण परिवार से आने के बाद आप राष्ट्रीय स्तर पर चमके और अपना नाम रोशन करने के साथ भारत को गौरवान्वित किया, जो सबसे महत्वपूर्ण है। ये चिट्ठी पहली नज़र में एक रिटायर्ड खिलाड़ी के नाम लिखी दिख सकती है, पर राजनीतिक पंडितों की नज़र में चिट्ठी के मायने कुछ और ही बयां कर रहे हैं। दरअसल धोनी जो झारखंड से आते हैं और तमिलनाडु की आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग के पहले दिन से कप्तान हैं, वहां थाला यानी सुप्रीम लीडर के नाम से मशहूर धोनी की दीवानगी इस कदर है कि लोग उनका मंदिर तक बनाने को तैयार हैं। हालांकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि धोनी एक सफल कप्तान रहे और उनमें नेतृत्व का अद्भुत कौशल है। प्रधानमंत्री मोदी भी यह बात बखूबी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि झारखंड और तमिलनाडु दोनों जगह बीजेपी के पास कोई बड़ा नाम नहीं है और इन दोनों राज्यों में भाजपा सत्ता से बाहर होने के साथ साथ बहुत कमजोर स्थिति में है, जबकि ये दोनों राज्य धोनी की मजबूत गढ़ माने जाते हैं। हालांकि धोनी के लिए दीवानगी किसी राज्य, जाति, धर्म या देश में नहीं बंधी है, बावजूद इसके कि ये दोनों राज्य धोनी के गृह राज्य होने के चलते उनके सबसे करीब कहे जाते हैं। झारखंड की राजनीतिक स्थिति देखें तो 2019 में वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरकार बनाई है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से लोगों की नाराजगी और राज्य संगठन में कलह के चलते भाजपा को बुरी शिकस्त मिली। हालांकि इस हार के बाद झारखंड विकास मोर्चा के मुखिया और भाजपा से बनवासी हुए बाबूलाल मरांडी की वापसी ने राज्य भाजपा को थोड़ी राहत दी, पर अब भी झारखंड भाजपा सिर्फ मोदी के नाम के सहारे ही अपनी नाव चला रही है। वहीं डीएमके और एआईडीएमके बीच फंसी तमिलनाडु की राजनीति में हिंदी भाषी और सो कॉल्ड काउ बेल्ट पार्टी होने के चलते फिलहाल तो भाजपा के लिए कोई जगह नहीं दिखती। धोनी के रिटायरमेंट पर अमित शाह के ट्वीट और आज की चिट्ठी को राजनीतिक पंडित इन दो मर्जों की दवा की तरह देख रहे हैं। यूं भी धोनी के क्रिकेट करियर के दौरान उन पर राजनीति करने के आरोप लगते रहे हैं, पर अब 40 से भी कम उम्र के धोनी क्रिकेट से तो रिटायर हो चुके हैं, पर यह देखना दिलचस्प होगा कि वो राजनीति से रिटायर होते हैं या नहीं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा करना बिल्कुल मुफ्त है। बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हमारे वीडियोज अपडेट समय से मिलते रहें। राम राम।